तो दोस्तों, अगर आपने मनी हाइस्ट के सीजन 5 का ट्रेलर देख लिया है तो कमेंट करके प्लीज ये बताओ कि यार प्रोफेसर के साथ क्या हुआ होगा। तो खैर, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही इस पूरे ट्रेलर का अच्छे से ब्रेकडाउन भी करने वाले हैं। तो बस फिर ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। अब देखो, ट्रेलर के सबसे पहले सीन में ही टोक्यो ये बताती है कि 100 घंटे से ऊपर हो चुके हैं एंड हमारी टीम अभी तक बैंक ऑफ स्पेन के अंदर बंद है एंड हमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया है। और उसके बाद में देखने को मिलता है सीजन 4 का वो एंडिंग वाला सीन जहां पर एलिसिया सियरा ने प्रोफेसर को अब ढूंढ लिया है, यानी कि अपने प्रोफेसर अब पूरे तरीके से कॉप एलिसिया सियरा के शिकंजे में आ चुके हैं। एंड वाकई यार, जो सीन क्रिएट हुआ है ना, तो उसे देखकर तो लग रहा है कि अब इन लोगों का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टीम को भी अब मालूम पड़ गया है कि प्रोफेसर अब पकड़े जा चुके हैं, यानी कि उनकी बाहर से मदद करने वाला कोई भी नहीं है एंड देयर इज नो बैकअप प्लान। एंड ये इंसिडेंट उनके साथ पहली बार हुआ है तो इसलिए टीम भी अब कमजोर पड़ रही है एंड ये देख के मेरी सांस अटक रही है। एंड शायद ये बात मालूम पड़ गई है बाहर बैठी पुलिस को, तभी तो ये औरा पूरी मिलिट्री बुला रहा है। एंड भाई साहब, जिस लेवल की मिलिट्री फोर्स बुलाई है ना, तो देखकर तो लग रहा है कि एक वॉर होने वाली है। एंड 90% वही सीन है जो कि हमें इसके डेट अनाउंसमेंट टीजर में देखने को मिला था। एंड ये देखने के बाद पलेर्मो डेनवर से बोलता है से गुड बाय टू हर। एंड हो सकता है कि पलेर्मो ने मिलिट्री से निपटने के लिए एक प्लान बनाया है जिसको पूरा करने के लिए डेनवर जा रहा है एंड उसके अंदर जिस लेवल का खतरा है, तो पलेर्मो ने पहले ही डेनवर से कह दिया है से गुड बाय टू स्टॉकहोम। तो कहीं अब नैरोबी के बाद डेनवर की बारी तो नहीं। एंड फिर आता है सबसे हार्ड हिटिंग मोमेंट। यार कहां हम सोच के बैठे थे कि प्रोफेसर और एलिसिया के बीच में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, बातचीत होगी एंड क्या पता एलिसिया प्रोफेसर के साइड में भी आ जाए पुलिस से अपना बदला लेने के लिए, पर यहां तो उसका उल्टा ही हो गया। तो मे बी अब प्रोफेसर का अंत भी नजदीक है एंड यहां बस एक लास्ट होप बची है, तो सिर्फ और सिर्फ मार्सिलिया की। तो क्या पता मार्सिलिया प्रोफेसर को बचा ले, क्या पता ना भी बचा पाए। तो खैर, इसके ऊपर अपनी थ्योरी कमेंट करना मत भूलना। एंड यहाँ पर सब एक दूसरे को इमोशनली गुड बाय कह रहे हैं, बट द बेस्ट मोमेंट इज टोक्यो ने गांडिया की मां बहन कर दी। मजा आ गया यार। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्बन एक अकेली बची है जिसके अंदर अभी भी हिम्मत बाकी है, तो मे बी वो इस टीम को लीड करने वाली है वॉर के लिए। आफ्टर ऑल उसका पहला प्रोफेशन पुलिस था, तो वो पुलिस के सारे पैतरों से अच्छी तरीके से वाकिफ है। बट इस वॉर में इस टीम का क्या हाल होने वाला है, तो वो तो हम मे बी पहले ही देख चुके हैं ना। एंड देन पर यार एक बात तो माननी पड़ेगी, सीरीज में चाहे जो कुछ भी हो, पर जो इस सीरीज का एक्शन होने वाला है वो बिल्कुल टॉप नॉच होने वाला है, जो कि हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं। तो सोचो, अगर ट्रेलर में इतना एक्शन है, तो पूरी की पूरी सीरीज में कितना एक्शन होगा। एंड देन आपको सुनने को मिलते हैं बर्लिन के कुछ डायलॉग्स। एंड यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि बर्लिन बात कर रहे हैं इस सीरीज के न्यू कैरेक्टर पैट्रिक क्रिएडो से। एंड देखो, ये बंदा एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी मालूम नहीं है, तो हो सकता है कि यही आगे टीम को लीड करे, अगर टीम बची होगी तो। एंड यहाँ पर बर्लिन एक लाइन बोलते हैं, विद मी यू फाइट ऑथेंटिक लिबरेशन एंड इफ वी एवर हैव टू पे प्राइस फॉर इट देन वी पे इट। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि बर्लिन पैट्रिक को बैंक ऑफ स्पेन के प्लान के लिए रेडी कर रहे हैं कि अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वो आएंगे। तो हो सकता है कि प्रोफेसर के पास अब कोई भी बैकअप प्लान नहीं है, पर अपने बर्लिन के पास जरूर था। तो खैर, इसके बारे में अपने थॉट्स कमेंट जरूर करना। एंड जहां तक मुझे लगता है कि ये मे बी गांडिया ही है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर, इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद अगर मुझसे कोई इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल चीज छूट गई है, तो मुझे रिमाइंड कर देना, उसको आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। एंड ट्रेलर देखने के बाद अगर आपके मन में कोई न्यू थ्योरी निकल के आई, तो फट से मुझे इंस्टा पे डीएम या फिर कमेंट कर दो, एंड करना जरूर। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।